गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं। मैं पहले बता चुका था आपको, म्यूजिक के बेसिक में संगीत क्या है, संगीत की उत्पत्ति, संगीत के प्रकार। उसके बाद शुरू होती बात नाद की। नाद के बारे में आपको बता चुका हूं कि नाद से श्रुति और श्रुति से स्वर, ये एक सीढ़ी चलती है। नाद से श्रुति बनती है, श्रुति स्वर बनते हैं, स्वर से सप्तक, सप्तक से थाट बनते हैं, थाट से जाकर के राग का नंबर आता है। तो आज श्रुति नाद के बारे में पहले बोल चुका हूँ, आज बात करते हैं श्रुति। श्रुति क्या है? श्रुति एक ऐसी ध्वनि जो दूसरी ध्वनि का अंतर स्पष्ट आपको पहचानने में आ जाए, श्रुति कहलाती है। एक संगीत में ध्वनि से जब दूसरी संगीत में ध्वनि बोली जाती है, तो जब उन दोनों का अंतर हम पहचान लें और स्पष्ट सुनाई दे और संगीतमय भी हो, कर्णप्रिय भी हो, वह आवाज श्रुति कहलाती है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे हम 240 वाइब्रेशन पर सेकंड, किसी भी वस्तु के 240 वाइब्रेशन पर सेकंड हो, तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो ध्वनि होगी सा। अब इसमें हम 241 वाइब्रेशन पर सेकंड शामिल कर दें, तो सीधी सी बात है, वैज्ञानिक आधार पर ये ध्वनि सा की नहीं है। लेकिन मानव के कान 240 वाइब्रेशन पर सेकंड और 241 वाइब्रेशन पर सेकंड में जो एक वाइब्रेशन बढ़ाया है, इसका अंतर मानव के कान नहीं पहचान सकते। इस तरह ये वाइब्रेशन, अगर हम इसमें 15 वाइब्रेशन ऐड कर दें, ये मैं पहले बता चुका हूं 15 का मैटर क्या था, तो 255 वाइब्रेशन पर सेकंड हो जाएंगे, तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो रे की होगी। इससे आप जरूर समझ गए होंगे कि श्रुति का अंतर क्या चीज होती है। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो स्वर बोले मैंने, सा की अलग साउंड है, रे की अलग है, गा की अलग है, मा की अलग है, ये जो अलग अलग अंतर हम आराम से पहचान पा रहे हैं, ये श्रुति कहलाती है। श्रुति की संगीत के अनुसार परिभाषाएं क्या मानती, वह ध्वनि जो हमारे कानों को स्पष्ट सुनाई दे और एक दूसरे से उनका अंतर अलग अलग पहचान में आए, श्रुति कहलाती है। इन श्रुति को संख्या जो मानी गई, श्रुतियों की संख्या वो 22 मानी गई, जिन्हें मैंने कहा कि संगीत में प्रयोग होने वाले 22 प्रकार की ध्वनियां हैं, जिन्हें नाद भी कहा जाता है। 22 प्रकार के नाद हैं, इन्हीं से श्रुति, इन्हीं को श्रुति नाम दिया गया अलग अलग से। ये श्रुति का और स्वर में अगर अंतर आगे बताऊंगा तो क्या होगा कि श्रुति और स्वर क्या है। श्रुति और स्वर में वही अंतर है जैसे एक सांप कुंडल में बैठा हुआ है और एक सांप क्रियाशील है, चल रहा है। तो जब जिस श्रुति को प्रयोग किया जाता है, जब वो क्रियामान होती, गतिशील होती है, तो वो स्वर बन जाती है, और जब वो अपने, जब उसको प्रयोग ना किया जाए तो वही स्वर श्रुति बन जाता है। इसका अंतर वैज्ञानिकों ने, हमारे संगीत के जो वैज्ञानिक रहे हैं पीछे, उन्होंने यही बताया कि जैसे एक सांप अपनी कुंडल में रहता है और जब वो सांप चलने लगे तो स्वर के काम होता है, जब वो अपनी कुंडल में रेस्ट की पोजिशन में आ जाए तो स्वर बन, श्रुति बन जाती है। ये श्रुति और स्वर का अंतर है। तो इस तरह हमारे संगीत में कितनी श्रुतियां मानी गई, 22 श्रुतियां मानी गई, 22 श्रुतियां मानी गई हमारे संगीत में। 22 श्रुतियां क्यों मानी गई है? पंडित शारंगदेव, जिन्होंने 1250 के बाद एक पुस्तक लिखी जिसे संगीत में ग्रंथ का नाम दिया जाता है, उस पुस्तक का नाम संगीत रत्नाकर, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये 22 प्रकार के नाद ही क्यों उत्पन्न है, इसके पीछे कारण है। वो बताते कि हमारे हार्ट से लेकर गले की तरफ 22 नाड़ियां हैं जो तिरछी हैं, जो खाली हैं, जिनके अंदर हम जो सांस लेते हैं, हवा अंदर खींचते हैं, वो हवा उन 22 नाड़ियों में टकरा करके बाहर आती है। इस प्रकार 22 श्रुतियां बनी हैं, 22 नाद हैं जो संगीतमय हैं, संगीत उपयोगी हैं, संगीत में प्रयोग करने लायक हैं, जिनको श्रुति का नाम दिया गया। इन्हीं श्रुतियों से बने हैं स्वर। इन 22 श्रुतियों को स्वरों में किस प्रकार बांटा गया कि पहली से लेकर चौथी श्रुति पे सा को रखा, इसमें एक सीधा सिस्टम बना गया। सॉरी बेटा, क्या सा
माँ और पा, इनके पास चार चार श्रुतियां दी गई। सा मा पा के पास चार चार श्रुतियां। अब सा से अगला स्वर क्या होता है जो हम सप्तक में बोलेंगे, सा रे दूसरा स्वर, तो यहां पर रे लिखिए। और पास से अगला स्वर क्या होता है, सा रे गा मा पा धा, क्या होता है धा धा। अब इसमें से एक श्रुति कम कर दीजिए आप, तीन तीन श्रुतियां इन रे और धा के पास होती है, सा रे गा गा और रे। इन दोनों स्वरों के पास, ये जो दोनों स्वर हैं इनके पास, इनसे एक एक श्रुति कम करते ले आइए आप, दो दो श्रुतियां। इस तरह इन सभी श्रुतियों को आप जोड़ेंगे तो ये 22 श्रुतियां बन जाती है। इस प्रकार 22 श्रुतियों को सात स्वरों के अंदर डिवाइड किया गया, सात स्वर इनसे बने। वो कैसे बने गए, जैसे इसमें सामा पा के पास चार चार श्रुतियां, रे और धा के पास तीन तीन श्रुतियां, ग और ण के पास दो दो श्रुतियां। तो इसका एक सीधा सा पैटर्न बनता है कि एक से लेकर चौथी श्रुति पे सा, सा में दो ऐड कर दिए, तीन ऐड कर दीजिए, चार में तीन ऐड करेंगे तो सातवीं श्रुति पे रे स्वर मानेगा, रे में दो ऐड करेंगे तो नौवीं श्रुति पे गा स्वर मानेगा। गा के बाद क्या है, सा रे गा मा, माँ की श्रुतियां होती है चार, तो नौ में चार ऐड कर दीजिए, वो हो जाएगा तेरह। तेरहवीं श्रुति पे माँ स्वर रखा गया, और माँ से अगला स्वर पा होता है तो तीन में फिर चार ऐड करेंगे, सत्रहवीं श्रुति पे पा स्वर माना गया। और फिर धा, सा रे गा मा पा धा, धा स्वर की श्रुतियां याद कीजिए अगर ध्यान आती हैं, तो तीन श्रुति होती है तो सत्रह में तीन ऐड करेंगे, बीसवीं श्रुति पे धा स्वर को रखा गया है, और लास्ट की जो बाईसवीं श्रुति है इस पे नी स्वर को रखा गया है। इस प्रकार 22 श्रुतियों से इन सात स्वरों का निर्माण हुआ है, सा रे गा मा पा धा नी सा। इन श्रुतियों पे इन स्वरों को रखा गया है। अगर इन श्रुतियों पे से स्वर हटा दी जाए या किसी और दूसरी श्रुति पे कर दिया जाए तो जो हम सा रे गा मा की जो एक लय में एक धुन में गाते हैं सा रे गा मा पा धा, ये धुन भी बदल जाएगी। और 22 के 22 श्रुतियों का अगर स्वर बना दिया जाए तो इन 22 श्रुतियों पे गाना बजाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे विद्वान संगीतकारों ने उन 22 श्रुतियों को चार स्वरों में, सात स्वरों में डिवाइड कर दिया गया, जो सात स्वर इस प्रकार बने हैं। श्रुति और स्वर ये बन गए स्वर, इनको कहा जाता है स्वर। ये स्वर बने सात स्वर, नाम के अनुरूप सबके अलग अलग नाम है। सा को कहा जाता है षड्ज, रे को कहा जाता है ऋषभ, गा को गंधार, और मा को मध्यम, और पा को पंचम, और धा को धैवत, और आखिरी स्वर नी का मतलब निषाद। ये इनके संस्कृत के पूर्ण नाम हैं, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ये संगीत के सात स्वर हैं जिनके नाम अलग अलग हैं, ये बने सात स्वर। इन सात स्वरों में ये बात क्या आ जाती है कि जो स्वरों की नाम के अनुरूप संख्या है वो तो सात बनती है, लेकिन काम के अनुरूप इनकी संख्या 12 बनती है। इसलिए संगीत में पूछा जाता है कि कुल स्वर कितने होते हैं। कुल स्वर जब पूछा जाए तो हमें क्या बताना पड़ेगा, कुल स्वरों की संख्या 12 होती है, और नाम के अनुरूप अगर देखा जाए तो सात स्वर होते हैं। इस तरह जो एक सप्तक, सात स्वरों का जो समूह बना सप्तक, उसमें नाम के अनुसार, नाम के अनुरूप तो सात स्वर होते हैं और काम के रूप संख्या अनुरूप उसमें 12 स्वर। इस तरह ये हुए स्वर। अब स्वर का मतलब क्या होता है, स्वर का मतलब होता है वह ध्वनि, स्व प्लस र, स्व मतलब सेल्फ और र का मतलब रंजन, जो ध्वनि स्वयं का भी रंजन करे और सुनने वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, आकर्षित कर ले, वो शब्द स्वर कहलाते हैं। वह ध्वनि जो स्वयं का भी रंजन करे और सुनने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करे स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 बताई है नाम के अनुरूप, लेकिन काम के अनुरूप ये 12 प्रकार के स्वर। तो ये हुए श्रुति और स्वर। अब स्वर में प्रकार कितने होते हैं, वो 12 स्वर कैसे बने, सात स्वर शुद्ध स्वर बोले जाते हैं और उसके बाद जो बचे उसमें
पांच स्वर, उनको विकृत स्वर भी कहा जाता है। इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा कि शुद्ध स्वर और विकृत स्वर में क्या क्या अलग अलग कार्य होते हैं और उनको अलग अलग क्यों कहा जाता है। धन्यवाद।